हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रजौरी के ब्लॉक मंजा कोट का एक एरिया पतरड़ा आता है, हम यहाँ पे हैं। रात को जो है कुछ लोगों की तरफ से कुछ जो लड़के थे, सर सर आपका नाम क्या है? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी के ऊपर जो है रात को कुछ लोग जो है अटैक करते हैं। हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों इनके ऊपर अटैक किया रात को, पूरी जो बात है हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले आप मेरे को बताओ कौन से लोग थे, क्यों मारा आपको, क्या मसला हुआ रात को? सर 6 लोग थे, वो 3 रोड में थे, 3 अंदर आए, जी उनने बोला बाहर आ जाए। मैं हाँ आया बाहर तो तीनों ने, एक इधर चोट लगी, एक इधर लगी, लाठी थी उनके पास हाँ और एक सिर पे लगी। आप उनको जानते थे, क्यों मारा कुछ उन्होंने? नहीं, पहली बार देखे हैं, वो आगे देखे ही नहीं, मतलब मारा क्यों, वजह होगी ना वही कोई? पता नहीं क्या वजह क्या नहीं, आप करते क्या हो, यही होटल करते हैं। मतलब ये जो शॉप है शॉप के अंदर आके उन्होंने अटैक किया, हाँ अंदर किस आके, वजह कोई से किया? अच्छा पता नहीं। इधर 3-4 लड़के खाना खा रहे थे, लेडीज थी दो, मैं अच्छा उनको खाना खिला रहा था, उधर मैं रुका जाके, तो मेरे को बोलते हैं आप आ रहा, पीछे अच्छा हाथ रखे हुए थे, डंडे हाथ में थे, तो अच्छा तीनों ने एक एक मार के भाग दिए। भाग गए। तो फिर आपने पुलिस को कॉल? पुलिस को कॉल किया, पुलिस ने तुरंत एक्शन किया, जी जो हमारे SHO साहब थे उनने 5-6 घंटे के अंदर ही उनको उठा लिया, बंदूक अरेस्ट कर दिया, अरेस्ट कर दिया, अफेयर वगैरह लगी। एफआईआर लग दी। ये जो अनिल जी हैं ये मंजा कोट के पतराड़ा एरिया है, यहाँ पे एक होटल है जो यहाँ पे शॉप करते हैं। कुछ लड़के आ जाते हैं बाहर से जो है इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। जैसे ये मंजा कोट पुलिस जो है SHO अबरार खान जो मंजा कोट पुलिस टीम है उनके पास जाते हैं, उनको रिपोर्ट देते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम में जो है उन लड़कों को जो है पुलिस सलाखों के पीछे बंद कर देती है। ये बड़ा कदम है। जो जो लड़का यहाँ से भाग कर चले जाते हैं, खैर उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा मंजा कोट पुलिस या कई भी पुलिस हो जो है चैलेंजेस तो फेस करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी जो है मुबारकबाद है मंजा कोट पुलिस जो है जिन्होंने कुछ ही टाइम में जो है उन लोगों को अरेस्ट करिए और FIR वगैरह रजिस्टर हो गई हो है। गया, हो गया। हमारे साथ यहाँ पे नायब सरपंच जी हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर जो है इनके ऊपर अटैक हुआ, किन लोगों ने अटैक किया, किस वजह से अटैक किया। हम सर सबसे पहले मुझे बताएं कि जो इनके ऊपर अटैक हुआ किन लोगों ने अटैक किया और किस वजह से किया। हम तो ये जानते ही नहीं है ये लोग है कौन है, जी तो ये तो अपनी पुलिस ही जानेगी कि कहाँ के हैं, कैसे किया, क्यों किया। तो जी हम तो सबसे पहले शुक्रगुजार हैं अपने SHO साहब के, जो 3-4 घंटे के अंदर अंदर उनको अरेस्ट किया, जी और उसके बाद जो आगे हमारे FIR तो हो गई है, जी इसके बाद हम ये पूरी छानबीन करके इंसाफ चाहते हैं। जी ये हमारे साथ यहाँ पे नायब सरपंच साहब थे, और जिस बंदे के ऊपर जो है अनिल जी के ऊपर जो अटैक होता है रात को कुछ साढ़े मतलब सात बजे 7:30 बजे, साढ़े 7 7:30 बजे का कुछ टाइम था, कुछ अननोन पर्सन जो है इनके ऊपर आकर अटैक करते हैं, लेकिन जैसे ही ये मंजाकोट पुलिस को जो है अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं उस कुछ ही टाइम में जो है मंजाकोट पुलिस जो है उन लोगों को अरेस्ट कर देती है। अरेस्ट करके जो है उनको इस वक्त FIR करके जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दी गई है। आखिर ये पुलिस जो है पूरा मैटर जानने की कोशिश करेगी, और इन लोगों को भी जो है यही इस वक्त इनकी यही डिमांड है कि हमें पता चलना चाहिए किस वजह से जो है इन लोगों के ऊपर अटैक हुआ, ये क्यों इनके ऊपर अटैक किया। ये एक शॉपकीपर जो है अपनी मेहनत से जो है यहाँ पे लोग अपनी घर चलाते हैं अपनी शॉप करते हैं, लेकिन फिर भी जो है कुछ लोग आके इन लोगों के ऊपर जो है अटैक करते हैं। लेकिन मंजाकोट पुलिस को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, खासतौर पर SHO मंजाकोट अबरार खान SDPO तौसीफ JKPS जो काफी अच्छी टीम है मंजाकोट पुलिस जो है किस तरीके से गुंडों को जो है अरेस्ट करने में जो है वो बिल्कुल कामयाब हो जाती है। ये जो लड़के थे ये बताया जा रहा है मेंढर एरिया के लड़के थे जिन्होंने इस शॉपकीपर के ऊपर जो है अनिल जी के ऊपर जो है अटैक किया है, लेकिन जो है कुछ ही टाइम में जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है इन लोगों को अरेस्ट करके जो है इस वक्त सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है और इन्वेस्टिगेशन जो है शुरू कर दी गई है। क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में जो है सामने आता है हम जम्मू कश्मीर पुलिस से जो है जानने की कोशिश करेंगे, जैसे ही ऑफिशियल अपडेट हमारे पास जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा हमारे पास पहुंचती है, क्यों अटैक किया, किस वजह से अटैक किया, खैर हम आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे।